हेलो एवरीवन। तो आज हम एक न्यूमेरिकल करते हैं उससे फिल्टर पे, तो उससे समझ में आ जाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हमारा इन ए सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फिल्टर की, एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फिल्टर है हमारे पास। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 5 सेमी। जो प्लेट होती है उनके बीच की डिस्टेंस डी है वो 5 सेमी है। ठीक है, मीटर में चेंज करें 5 × 10⁻²⁻ मीटर। पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हमें ये लिखेंगे पैरामीटर्स कि क्या क्या हमारे पास दिया गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 5 मीटर, उसकी रेडियस 5 मीटर है। हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, पूछा है पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो निकालना है। ठीक है, कि इन प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भी निकालना है। सो दी सी प्लस प्लस आयन, जो सी प्लस प्लस आयन है उसकी एनर्जी ई दी हुई हमें, इमर्ज फ्रॉम दी फिल्टर, फिल्टर से मतलब इस फिल्टर से जो सी प्लस प्लस आयन हमें मिलेंगे उसकी एनर्जी दी हुई है। तो दिया क्या क्या हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी दी हुई है 5 सेमी, 5 × 10⁻²⁻ मीटर। ठीक है, रेडियस दी हुई है उसकी आर इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, एनर्जी ई दी हुई है 1 MeV या फिर बोले तो 1.6 × 10⁻³⁻ जूल, ये एनर्जी दी हुई है। क्योंकि ये कैसे आई 1.6 × 10⁻¹⁹, 1 MeV में कितना होता है माइनस प्लस 6। ठीक है, तो ये कितना बचा 1.6 × 10⁻³⁹। क्लियर है ना, क्योंकि 1 eV में 1.6 × 10⁻¹⁹ वोल्ट होता है और यहाँ 1 MeV दिया, MeV 10⁻⁶ होता है, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो इतनी है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी विभवांतर निकालना है, वी हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जो बेलनाकार हमारे पास स्थिर वैद्युत फिल्टर था उसके लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास था, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एन ई और वी आर, इसको ई सी भी डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको ई सी भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वी आर यहाँ इसको हम एनर्जी ई लिख सकते हैं, 1/2 एन ई वी आर, सॉरी जो यहाँ ई आर था, इलेक्ट्रिक फील्ड था ये। ठीक है, E क्या होता है V अपॉन D, जो प्लेटों के बीच डिस्टेंस है और ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ V अपॉन D था। तो एनर्जी E इक्वल टू 1 क्या लिख सकते हैं, N E V R अपॉन D, निकालना क्या है हमें V, तो क्या हुआ 2D है ये 2, तो V निकालेंगे 2ED अपॉन एन ई आर, ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं और यहां एन क्या है, एन बराबर 2, क्योंकि जो चार्ज है सी प्लस प्लस आयन पे निकालना है, तो इस पे जो आयन पर आवेश है वो प्लस 2 है, तो एन की संख्या 2 है। ठीक है, सारी वैल्यू हमारे पास है, बस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी का मान, और ये फॉर्मूला याद रखना ई बराबर वी अपॉन डी होता है, जो दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वी अपॉन डी होता है, तो वी तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी 2 × ई की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻³⁹ और डी की वैल्यू क्या है 5 × 10⁻²⁻ मीटर, एन की वैल्यू 2, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹,
और जो आर है रेडियस 5 मीटर, ठीक है। कैंसिल इससे, कैंसिल कैंसिल, ये कितना हो गया 10^-15, और ये ऊपर जाएगा इंटू 10^-19, तो बचा क्या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 10^4 प्लस का 4, ठीक है, वोल्ट में, या फिर इसको 10,000 वोल्ट। तो इतना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों प्लेटों के बीच C++ आयन के लिए, क्लियर। तो ऐसे कोई से भी फिल्टर पर अगर क्वेश्चन आए तो ये कंडीशन होती है, जो मैथमेटिकल टर्म ये हमें याद होनी चाहिए, जो मोमेंटम फिल्टर है, वेलोसिटी फिल्टर है, और जो एनर्जी फिल्टर है, ये हमें हमारे पास सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फिल्टर दिया हुआ था, उसके लिए ये कंडीशन थी, हमने लगाई और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस से निकाल दिया। सेम इसी प्रकार से जो वेलोसिटी फिल्टर पे क्वेश्चन आएंगे, या मोमेंटम फिल्टर पे, या फिर एनर्जी फिल्टर पे, जो नॉर्मल वाला है या फिर सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो इजी वे में निकाल दोगे, सारी चीज दी हुई होती है, और इनके बीच में हमें इस क्वेश्चन में तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाया था, बाकी में अगर एनर्जी निकलवाए तो निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाले तो इसमें, तो इसकी जगह 1/2 mv² यूज करेंगे, तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी। अगर प्लेटों के बीच डिफरेंस निकलवाएं तो भी निकाल सकते हैं, तो हर चीज निकल सकती है, बाकी तुम अपने फॉर्मूले पर डिपेंड रहना, ओके। तो कल करते हैं नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही काफी है, ओके। तो मिलते कल, बाय बाय।